नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अमेरिका और इसराइल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अपने दुश्मन को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शते। इनका बदला लेने का अंदाज भी सबसे अलग है। इनका दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, वे खोज कर ही उसे ख़त्म कर देते हैं। एक ताज़ा मामला और देखने को मिला है जिसमें अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक में अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी को ढेर कर दिया है। अल जवाहिरी ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद से आतंकी संगठन अलकायदा का सर्वे सर्वा था, जो काबुल के एक घर में छिपा हुआ था। जवाहिरी 9/11 की साजिश में भी शामिल था जिसमें करीब 3,000 लोगों की मौत हुई थी। आपको बताते चलें कि जवाहिरी 11 साल से अलकायदा की कमान संभाले हुए था। वह कभी ओसामा बिन लादेन का फिजिशियन भी हुआ करता था। जवाहिरी का जन्म इजिप्ट के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उसके दादा रबिया अल जवाहिरी काहिरा में अल अजहर यूनिवर्सिटी में इमाम थे। उसके परदादा अब्देल रहमान आजम अरब लीग के पहले सचिव थे। तो जवाहिरी ने इजिप्ट में ही एक संगठन इजिप्टियन इस्लामिक जिहाद यानी EIJ का गठन किया। 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या के बाद जवाहिरी को 3 साल जेल में रहना पड़ा, जिसके बाद वो मिस्र छोड़कर सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब आने के बाद वो मेडिकल प्रैक्टिस करने लगा। वहीं पर अल जवाहिरी की मुलाकात अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन से हुई। लादेन 1985 में अलकायदा को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के पेशावर गया हुआ था। इस दौरान अल जवाहिरी भी वहीं था। यहीं से दोनों आतंकियों के बीच रिश्ते मजबूत होने लगे। 2001 आते आते अल जवाहिरी ने EIJ को अलकायदा में विलय कर दिया और फिर दोनों मिलकर दुनिया को दहलाने की साजिश रचने लगे। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए हमले के बाद जवाहिरी लगातार छिपा रहा। वहीं पाकिस्तान में अमेरिकी हमले में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद उसने संगठन की कमान अपने हाथों में ले ली और 2011 से अलकायदा प्रमुख बना हुआ था। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि अमेरिका ने किस तरह से जवाहिरी को ख़त्म किया। अमेरिका ने अल जवाहिरी के खात्मे की पूरी रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पिछले कई हफ्तों से काबुल में बैठे अलकायदा सरगना अल जवाहिरी पर नज़र रखे हुई थी। उसकी हर गतिविधि की रिपोर्ट को व्हाइट हाउस और पेंटागन में बैठे अधिकारी बड़ी बारीकी से समझ रहे थे और उन्हें तलाश थी तो सिर्फ एक मौके की। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि अल जवाहिरी को शिपुर इलाके में मारा गया, या वही इलाका है जहां अफगानिस्तान में अमेरिका ने सैन्य कैंप बनाया था। तालिबान के सत्ता में आने के बाद करीब 1 साल पहले अमेरिका ने इस कैंप को खाली कर दिया था। इस हमले में सबसे अहम बात यह बताई जा रही है कि अल जवाहिरी की मौत की अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ना ही किसी विस्फोट के निशान मिले हैं और ना ही किसी खून खराबे के। इसके बावजूद CIA ने इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है। दरअसल ड्रोन हमले के लिए अमेरिका ने अपनी खतरनाक हेलफायर R9X मिसाइल का इस्तेमाल किया। यह मिसाइल अन्य मिसाइलों की तरह विस्फोट नहीं करती, बल्कि इसके अंदर से चाकू जैसे ब्लेड्स निकलते हैं जो टारगेट पर सटीक निशाना लगाते हैं। हेलफायर मशीन को काफ़ी घातक और टारगेट पर सटीक निशाना बनाने के लिए पहचाना जाता है। इससे आसपास के इलाकों को कोई चोट भी नहीं पहुंचती। इस ऑपरेशन की तालिबान ने निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। अब भले दुनिया में कई तरह की बातें हो रही हों, लेकिन अमेरिका ने एक बार फिर से अपने दुश्मन को अपने ही अंदाज में ख़त्म किया है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।